ये खेलना जल्दी चल 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 बोला था ना मैं जीतूंगा क्या फिर जेब खाली हो गई रात भाई भाई बस मैं पुराना 10 का नोट अबे 300 रुपए तो तू जुए में फूंक चुका है ये 10 रुपए का रखकर क्या करेगा तू एक बात बताया तू ये 10 का नोट हमेशा अपनी जेब में क्यों रखता है क्यों कुछ खास बात है क्या सेंटीमेंटल वैल्यू है मेरा बाप ने मरने से पहले मुझे दिया था और कहा था कि बेटे पेट भले खाली हो लेकिन जेब कभी खाली नहीं होनी चाहिए क्या मेरा तो पेट भी भरा है और जेब भी मैं चलता हूँ यार एक मिनट अभी मैं कंगाल नहीं हुआ हूँ नहीं राज ये तुम्हारे फीस के पैसे हैं अरे तुम घबराती बहुत हो अभी तुम मेरी किस्मत के सितारों को बदलते हुए देखोगे क्या जस्ट वॉच ओए बोले 600 है बोलता है क्या जल्दी चल नहीं यार मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता मुझे बड़ी दूर जाना है अरे छोड़ एक काम करते एक ही गेम में इस पार या उस पार क्या बोलता है पूरे 600 रुपए हैं तू जिद कर रहा है तो आखिरी गेम चल ये 7 नंबर मुझे डुबा कर रख देगा यार तू चल साफ करो तेरी ये हरकत है ना मेरी समझ में नहीं आती अब ये क्या कर रहा है ये कोई प्रॉब्लम है क्या मैं डाइस से बात कर रहा हूँ 2 मिनट चुप बैठ क्या बोलता दो नहीं यार आगे नहीं बढ़ सकते हो दो मिनट तक गए चल देखते दो आगे मुझे पता था चल दिखाता हूँ मैं तुमको छह चाहिए 6 2 8 8 में मैं जीतूंगा 600 रुपए मेरे हो जाएंगे हाँ 11 ये क्या बकवास है यार फेंकना जल्दी अच्छा जब मैं देखता हूँ मैंने कहा था ना तू हार जाएगा मुझे पता था अगर पता था तो फिर खेला ही क्यों कल फीस भरने की आखिरी तारीख है राज अब क्या करोगे अरे मोना तुम जानती नहीं मेरा जो ये दोस्त है ना सलील बहुत अच्छा दोस्त है सलील जिंदाबाद मैम गुड यार सलील एक बात सुन ये जो 600 रुपए है ना ये तुम मुझे दे दे उधारी फीस भरने के लिए और पैसे आते ही मैं तुम्हें सूट समेत लौटा दूंगा मैं उधारी का काम नहीं करता यार और पहली बार तो इतने पैसे आए हैं इन पैसों से अपनी कॉलेज की फीस दे दूंगा यार मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तुम लोग की तरह आर्ट स्टूडेंट नहीं हो यार ए नहीं देना तो मत देना ए लेक्चर क्यों करता है मैंने मैंने उधारी मांगी कोई भीख नहीं अब क्या करोगे राज तुम घबरा मत मोना ऊपर वाला बहुत बड़ा है मेरे लिए कोई ना कोई पैसे वाला बकरा जरूर भेजेगा अब कैंसर आपके सारे शरीर में फैल गया है आपका मतलब है कुछ नहीं हो सकता मुझे अफसोस है देखिए डॉक्टर ये तो आप जानते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है कोई नई टेक्निक कोई नई रिसर्च कुछ तो होगा मेरी तो राय यह है आप अपनी मौत को स्वीकार करें मौत कभी हमसे बाजी जीत नहीं सकती हम खुद मौत को हराएंगे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है मौत अटल है मैं चलता हूं इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है हम अभी मरे नहीं जिंदा हैं लेकिन वो डॉक्टर सर चुप रहो हमने पूरी तैयारी कर रखी है तैयारी हाँ लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें अपने प्लान में इतनी तेजी लानी होगी कौन सा प्लान सर हमने आज तक तुम्हें अपने काले कमरे में प्रवेश नहीं करने दिया है काला कमरा हाँ हमारा सीक्रेट कमरा आज हम तुम्हें बताएंगे कि उस कमरे में क्या है क्या है सर हमारा हथियार जीवन और मृत्यु से लड़ने का हथियार मृत्यु शास्त्र अभी समझ जाओगे साल
पहले जब हम पे बिजली गिरी कि हमें कैंसर है तो हम मौत का इलाज ढूंढने में जुट गए। रात दिन एक करके बेहिसाब पैसा खर्च करके हम न जाने कहां कहां भटके, तब कहीं जाकर हमारे हाथ एक किताब लगी, मृत्यु शास्त्र। इस किताब में क्या है सर? ये पूछो कि इस किताब में क्या नहीं है। तंत्र विद्या, जादू टोना, काला जादू, सब कुछ है इसमें। सदियों पुरानी है ये किताब। इसमें वो ज्ञान है जो तबाही और बर्बादी फैला सकता है। इसी किताब से हमें पता चला कि हम मौत से जीत तो नहीं सकते लेकिन मौत को धोखा जरूर दे सकते हैं। धोखा? हाँ, दुनिया के न जाने कितने ही देशों में हम भटके, कितने ही तांत्रिकों और जादूगरों से संपर्क किया, पता चला कि ऐसी एक किताब मौजूद है, लेकिन कहाँ है, किसके पास है, किसी को भी पता न था। हम हिम्मत हार ही चुके थे तभी बिहार की एक छोटी सी रद्दी की दुकान में हमें ये किताब मिली। इन सब का क्या मतलब है सर? 5 सालों तक इस काले कमरे में इस किताब के साथ माथापच्ची करने के बाद हमें इन चिन्हों का मतलब समझने में सफलता मिली। ये मंत्र हैं। इस मंत्र के जरिए हम अपने किसी दुश्मन के परिवार को या उसके सदस्य को बर्बाद कर सकते हैं या उस पर भूत प्रेत का साया डाल सकते हैं। ये मंत्र है पड़ोसियों के पशु पक्षियों को बीमार करने या उन्हें मार डालने का मंत्र। हमने इन मंत्रों का अनुवाद भी कर लिया है। जाओ वो किताब ले आओ, उस पर लिखा है मृत्यु शास्त्र, ले आओ। ये मंत्र है किसी को अंधा करने का और ये है किसी को पागल बना देने का। अगर अपने बॉस को या मालिक को बर्बाद करना हो तो उसके लिए ये मंत्र है। नहीं, तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या सर, इन मंत्रों को आपने कभी आजमाया है? यार आज से कुछ साल पहले तुम बहुत बीमार पड़ गए थे, मरने की हालत आ गई थी। या 3 साल पहले मनकोटिया का बिजनेस रातों रात ठप हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। तो सर ये सब आपने? हम इन मंत्रों की परीक्षा दे रहे थे, सारे ही मंत्र सफल हुए, सिर्फ एक आखिरी मंत्र को हमने नहीं आजमाया, मौत को धोखा देने वाला मंत्र। धोखा? लेकिन अब समय आ गया है मौत को धोखा देकर हमेशा जिंदा कैसे रहे। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये देख रहे हो, ये 2 ग्लास हैं। ये खाली ग्लास जो है ये शरीर है और मैं इसमें जो पानी डाल रहा हूं ये है आत्मा। शरीर में आत्मा ही सब कुछ होती है। अगर आत्मा नहीं तो शरीर बेजान है। अब हम इस जर्जर और बेकार शरीर से आत्मा निकालकर इस जवान और सेहतमंद शरीर में डाल देंगे। तो सर उस आत्मा का क्या होगा जो उसके शरीर में पहले से मौजूद है? उसकी आत्मा को हम अपने खोखले शरीर में डाल देंगे। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हमको एक नया और स्वस्थ शरीर मिल जाएगा और उसे मिलेगा हमारा जर्जर और कैंसर पीड़ित शरीर। उसके साथ वो जब तक जी सकेगा जिएगा, जिस दिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ देगा उसकी आत्मा फुर्र हो जाएगी। लेकिन सर आप ऐसा शरीर ढूंढेंगे कहां? कॉलेज में, कॉलेज के उन तंदुरुस्त नौजवानों में जिनकी अभी 40-50 साल की जिंदगी बाकी है। हम उनमें से एक को पसंद करेंगे और फिर उस बेचारे की जिंदगी खत्म हो जाएगी।
यही वो शरीर है जो हमें चाहिए। अच्छा है, स्वस्थ है और उसके साथ उसकी खूबसूरत प्रेमिका भी है। देखना, बहुत जल्द ये शरीर हमारा बन जाएगा। सर, एक बार इसका मेडिकल चेकअप करा लीजिए, अगर आप वक्त दें तो। वक्त किसके पास मिला, देखते रहे हर क्षण हमारी हालत खराब होती जा रही है। ऐसा न हो कि शरीर में ताकत ही न रहे शरीर बदलने की। मिल जाएगा यार। राज, तुम हर बात मजाक में ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर प्रिंसिपल ने तुम्हें और एक बार बुलाया ना तो कॉलेज से तुम्हारी छुट्टी होगी। बस बस बस, अब बहुत हो गया। अभी मैं वो प्रिंसिपल की किट-किट सुन के आ रहा हूँ और तुम यहाँ पे शुरू हो गए। राज, तुम अपनी जिंदगी जुए और सिगरेटों के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो। पता नहीं मेरी दोस्ती अब तक क्यों तुम्हारे साथ है। I'm really sorry यार, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? I love you यार, तुम यार तू समझने की कोशिश कर। कम ऑन राज, अब ये सोचो कि फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ ये बात तो है, अब कल दोपहर 2 बजे तक ये 600 रुपए आएंगे क्लास। Excuse me, इतने से काम चल जाएगा? अरे दौड़ जाएगा। भिड़ो आप, मेरा मतलब है आप है कौन? एक कमजोर बूढ़ा जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। मेरी मदद? ये तो एक छोटी सी भेंट है, अगर तुम चाहो तो दौलत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल सकते हैं। वो कैसे? हमारा एक प्रस्ताव है। आपका प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव वो क्या है कि तुम दोनों की बातों से हमें पता चला कि तुम्हें आर्थिक समस्या है और हमारे पास इसका समाधान है। वो क्या? हमारा आगा पीछा कोई नहीं, इस संसार में हम अकेले हैं, शादी हमने की नहीं और हमारे निकटतम संबंधी कोई है नहीं। कुछ दिनों पहले डॉक्टर ने हमें बताया कि हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे, तभी से हमें यह चिंता खाई जा रही है कि हमारे बाद हमारा ये आलीशान बंगला, करोड़ों की जायदाद और बिजनेस हम किसे सौंप कर जाएं। हमें एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो हमारे बाद हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। अरे अरे, आपका मतलब है कि मैं? हाँ, तुम वो किस्मत वाले हो सकते हो। लेकिन अपन के दिमाग में एक बात नहीं आई कि सिर्फ अपन ही क्यों? हाँ नहीं 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 बरकरदार, हाथ में गड्डी आने से पहले नोट नहीं गिनते, अभी तो कुछ प्रश्न बाकी हैं। हाँ पूछो। तुम सिगरेट पीते हो? सिगरेट? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सिगरेट? शराब? कैसी बातें करते हो, बिल्कुल नहीं। शराब? थोड़ी सी भी नहीं? नहीं साहब बिल्कुल नहीं। कभी कभार दोस्तों की महफिल में? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। कभी बीमार पड़े? जी मेरा मतलब कोई घातक बीमारी या जख्मी हुए? अरे नहीं नहीं बिल्कुल फिट हूँ, रोज सुबह सुबह एक्सरसाइज करने जाता हूँ। बहुत अच्छा। अब एक अंतिम प्रश्न, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? राज बिल्कुल अकेला है, माँ बचपन में ही चल बसी, पिताजी ने पाल पोस कर बड़ा किया और 3 साल पहले उनका भी देहांत हो गया। हमारी कसौटी पर तुम एकदम खरे उतरे, बहुत जल्द हम तुम्हें अपने बिजनेस, बैंक बैलेंस
और जायदाद का वारिस बना देंगे। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। एक्सक्यूज मी मीना जी, हमने एकदम सही लड़का ढूंढा है और सोने पे सुहागा है उसकी प्रेमिका। बेचारा नहीं जानता कि हम उसे कितना बड़ा धोखा देने जा रहे हैं। आप ही साइन कीजिए। और सर, सब पेपर्स कंप्लीट हो गए। चलो, सब ठीक ठाक हो गया। आज से तुम हमारे कानूनी वारिस हो गए। हमारे मरने के बाद हमारा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यहां तक कि हमारा इस सेवक मिनाक तुम्हारी उसी तरह सेवा करेगा जिस तरह हमारी करता है। चलो, इस खुशी के मौके पर थोड़ी सी शराब हो जाए। लेकिन आपने तो शराब नहीं पीता ना सर। अरे भाई, शैंपेन है, कभी कभार थोड़ी सी पी लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे 9 बजे से पहले हॉस्टल पहुंचना है। नो प्रॉब्लम, मिनाक आपको छोड़ देगा। सर, मुझे भी आके दीजिए। जी ठीक है, थैंक यू। चलो मिनाक, आपको हॉस्टल तक छोड़ा हो। डोंट वरी, राज थोड़ी देर में यहाँ से चला जाएगा। मिनाक, हमें अपने वारिस के साथ थोड़ा समय बिताना है ताकि हम उसे समझा सकें कि हमारे पास वो हमारे कारोबार की और बिजनेस की देखभाल कैसे करें। ठीक है ना? ये हुई ना बात। हाँ, वैसे खुशी के मौके पे एक आध पैक हो जाए तो कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा नहीं। काम हो गया सर। काम हो गया। हाँ, तुम अच्छे टाइम पे आ गए। आओ, इसे काले कमरे में जल्दी से ले चलो। जल्दी जल्दी बिठाओ, बिठाओ इसे यहाँ, बिठाओ बिठाओ, रखो इसके हाथ टेबल पे। यों सर, क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? अलविदा कर रहे हैं अपनी इस पुरानी खोल को। 60 साल तक इस शरीर ने हमारा साथ दिया, अब इसमें रखा क्या है? आखिरी मंत्र के परीक्षा का समय आ गया है, अमर बनने का। हमने कर दिखाया, हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं। आत्माओं आओ, हमें नया शरीर दो। Thank you.
सर उठिए सर, सर सर देखिए देखिए सर उठिए सर सर। मूर्ख वहां नहीं, हम यहां हैं। नैनाक, अपने मालिक के इस नए शरीर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस शरीर में सर, अब ये चार शरीर हमारा है।